चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन गरीबों की थाली में रोटी कब आएगी ये सोचने वाली बात है। बेरोजगारी कब मिटेगी ये भी सोचने वाली बात है। महंगाई कब घटेगी ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन वादे तो बहुत किए जा रहे हैं। हाल ही में खड़गे जी ने महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो अनाउंस किया, जिसमें 5 गारंटी है, जो कि पहले राहुल गांधी जी भी कह के गए। वो 5 गारंटी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसमें महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल, फिर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव्स देने की बात हुई है। राजस्थान में जो अशोक गहलोत की योजना थी हेल्थ इंश्योरेंस की, वो योजना भी यहाँ पे लागू होगी। हाँ, वो अलग बात है कि राजस्थान गहलोत जी हार चुके हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको कि बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो अनाउंस किया है और उसमें भी उन्होंने भी बहुत सारी गारंटी दी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब सरकार आपकी 5 साल से रूलिंग कर रही है, 5 साल से आप रूलिंग में हो, फिर भी अगर काम रह जाते हैं तो ये तो सोचने वाली बात है। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को कहते सुना है कि 5 साल दे दो, 5 साल में हम तस्वीर बदल देंगे स्टेट की। तो जब 5 साल उनको दे दिए जाते उसके बाद और 5 साल मांगते, कहते हैं कि जो पिछली सरकार ने घोटाले किए वही मिटाने में 5 साल लग गए, और 5 साल दो। ऐसे तो आप मांगते ही रहोगे 5 साल पे 5 साल। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी को 5 साल दे दिए, यहाँ पे तो महायुति को 2.5 साल ही मिले, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के 2.5 साल थे और ये जो एकनाथ शिंदे के 2.5 साल है, उसमें सोचने वाली बात है कि क्यों महाराष्ट्र में काम रह गए और क्यों लास्ट में ये योजनाएं लाई जा रही है ताकि लोग वोट करें। अब जैसे कि नवाब मलिक जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में अब किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप देखोगे जो भी अलायंस है और जो भी पार्टियों के बीच में अलायंस है, उनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपनी योजना अनाउंस की और इससे ये साबित होता है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में भी कर्नाटका जैसे कांग्रेस ने जीता और जैसे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता, वैसे ही वही मॉडल से महाराष्ट्र भी जीतना चाहती है महाविकास आघाड़ी। लेकिन मैं मानता हूं कि मेन लीड यहां पे अगर सेंट्रल से कर रहा है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है। लेकिन हाँ, रीजनल पार्टी जैसे कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र में। अब मराठी वोटर्स किसको वोट देंगे ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन जिसको भी वोट देंगे, ये बार का जो चुनाव होगा ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये बार के चुनाव में उद्धव सेना की शिंदे सेना से फाइट है, अजीत पवार के एनसीपी की शरद पवार के एनसीपी से फाइट है। अब ये जो दो गुट बने हैं शिवसेना के और एनसीपी के, इसके बीच में दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन वहीं पे जो सीट शेयरिंग हुई है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। कांग्रेस और बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें ली अपने अलायंस में, लेकिन फिर उसके बाद उद्धव की शिवसेना और महायुति में शिंदे की शिवसेना, और उसके बाद शरद पवार की एनसीपी और महायुति में अजीत पवार की एनसीपी ने सीटें ली है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कौन सी सीट से जीतेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये बार का जो चुनाव है वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि लोग भी कंफ्यूजन में है कि किसको वोट करें। एक तरफ उद्धव सेना है, एक तरफ शिंदे सेना है, एक तरफ शरद पवार की एनसीपी, एक तरफ अजीत पवार की एनसीपी। चलो एनसीपी का मामला तो मैं मानता हूं कि अभी भी सॉल्व है, लोगों को पता है कि शरद पवार की एनसीपी को ही वोट करना है। लेकिन यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना है, इसके बीच में जो लड़ाई होगी वो दिलचस्प होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उनपे आरोप लग रहा है कि बाला साहब की आइडियोलॉजी को उन्होंने धोखा दिया है। वहीं पर जो शिंदे सेना है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी की आइडियोलॉजी और शिवसेना की आइडियोलॉजी पहले से एक जैसी रही है, इसीलिए हो सकता है कि लोग शिंदे सेना को भी वोट कर दे ये समझ के कि नहीं यही सही है, यही आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व की जो बाला साहब ठाकरे ने दी थी, वही आइडियोलॉजी पे ये शिंदे सेना आगे बढ़ रही है। वहीं पे हो सकता है कि लोग उद्धव ठाकरे को वोट करें, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जो बाला साहब ठाकरे का असली वारिस है वो तो उद्धव ठाकरे जी है, कोई दूसरा तो है नहीं। अब महाविकास आघाड़ी में शरद पवार जी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी और वहीं पे खड़गे जी, राहुल गांधी जी अपना पूरा जोर लगा रहे। इन लोग को भी बहुत अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजी और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जो है वो झारखंड से भी ज्यादा महाराष्ट्र में दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र में देना है। झारखंड तो लोगों ने भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है, मुझे लगता है झारखंड तो ऐसे छोड़ दिया है जैसे बीजेपी ने हरियाणा को छोड़ दिया था और हरियाणा बीजेपी जीत गई, वैसे ही यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने झारखंड को तो छोड़ ही दिया है। लेकिन वहां पे एक शख्स है जो कि जम के मेहनत कर रहा है झारखंड में, और उनका नाम है हेमंत सोरेन जी, जो कि अभी के चीफ मिनिस्टर है। तो उनका हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जेएमएम रीजनल पार्टी है झारखंड की। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि महाविकास आघाड़ी की ये योजनाएं उनको जिताती है या फिर लोगों को पसंद नहीं आती। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।